नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। बीजेपी के सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का अभियान शुरू किया। वहीं इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत की परिकल्पना की गई। आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता दिवस पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मन की बात के 10 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक काम हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मन की बात के भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर संपन्न हुए हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं हुई हैं, अनेक नवाचार हुआ है, देश के अंदर जागृति आई है। ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने स्थानों पर साधना कर रहे थे, एक तरह से मैं कहूँ तपस्या कर रहे थे, उन सबको देश दुनिया के सामने लाकर उनका प्रोत्साहन किया और उनके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया। स्वच्छ भारत अभियान, भारत के अंदर एक स्वच्छता की क्रांति पैदा हुई, हर एक के अंदर जागरूकता पैदा हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के अवकाश के साथ ही ड्राई डे के तहत सभी शराब की दुकानों को बंद रखा गया है, जिसको लेकर जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजौला ने कहा कि सभी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद यदि कोई शराब की दुकान खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। दुकानों जो 2 अक्टूबर को परसों बंद रहेंगी, आदेश जारी कर देंगे, और कहीं भी अगर कुछ शिकायत मिलती बिकता पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? बीजेपी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी के 7 मोर्चे प्रदेश में अलग अलग जाकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के सभी जाति धर्म और समुदाय के लोगों के साथ संपर्क स्थापित हो। साथ ही पूर्व सैनिकों, रिटायर्ड अधिकारियों, इसके अलावा कर्मचारियों को भी पार्टी से जोड़ने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोठारी ने कहा कि पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद आज द्वितीय चरण की सदस्यता प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारे जितने मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं, वो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समुदाय के लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बने, भारतीय जनता पार्टी का व्याप अनुसूचित जाति के समाज के साथ भी बने, जनजाति के समाज के साथ भी बने, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ में भी बने। इसी के साथ में जैसे पूर्व सैनिक उत्तराखंड में बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं, तो पूर्व सैनिकों में भी हमारी सदस्यता अभियान के माध्यम से हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं। कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, ऐसे पूर्व कर्मचारियों के बीच भी हम अपनी सदस्यता के माध्यम से पैठ बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई क्षेत्र न छूटे, इसके लिए हमने ये द्वितीय चरण प्रारंभ किया है। और इसमें हम अधिक से अधिक वर्ग, अधिक से अधिक समुदाय, अधिक से अधिक क्षेत्र तक अपनी पहुँच बनाएंगे। धामी सरकार ने भले ही प्रदेश में 17,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया हो, लेकिन रोजगार को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर होती है। आपको बता दें, एक बार फिर से कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने रोजगार को लेकर कई सवाल खड़े किए। गरिमा का कहना है कि पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उस समय बड़ी संख्या में न सिर्फ रोजगार दिया गया था बल्कि कई MOU भी साइन हुए थे। मैं इसमें कहीं ना कहीं चूक अधिकारियों की मानूंगी, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्यमंत्री जी को सही सही ब्रीफिंग करें। ब्यौरा उनको सही तरह से नहीं दिया गया है। पंडित नरेंद्र तिवारी जी के समय पर ना सिर्फ 40,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, बल्कि वो सब धरातल पर भी उतरे। सेलाकुई से लेकर हरिद्वार और हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक सिटकुल पिटकुल की स्थापना से यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए थे। पर उस तरह का मंजर हमने इतने करोड़ों खर्च करने के बाद भी न त्रिवेंद्र सरकार के इन्वेस्टर समिट से होता हुआ देखा, न धामी जी के इन्वेस्टर समिट से होता हुआ देखा। सरकारी नौकरियों की यदि बात कर ले तो 80% सरकारी नौकरी में जो सरकारी अमले में लोग लगे हुए हैं, उन नियुक्तियों को जांच परख लीजिए, 80% कांग्रेस कार्यकाल के निकलेंगे, 6 या 7 उत्तर प्रदेश के समय के निकलेंगे, 6 या 7%, 12-13% जो बचता है वो भाजपा सरकारों में लगे होंगे। अगर प्राइवेट
सेक्टर की बात करें तो IDPL और HMT जैसे बंद पड़े हुए हैं। हमने जो लघु उद्योग खोले पहाड़ों में वो आज 70% बंद पड़े हुए हैं। जो चल रहे हैं उसमें से 20-30% लोगों की कटौती कर दी गई है। हमारे समय पर LT पटवारी भर्ती, महिला कांस्टेबल भर्ती, नर्सिंग भर्ती, PCS परीक्षाएं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। प्राथमिक शिक्षा में तो सबसे ज्यादा लोग रखे गए, अतिथि शिक्षक हमारे वहाँ हजारों की संख्या में रखे गए। आप तो उपनल से संविदा कर्मियों को निकालने के लिए जाने जाते हैं, आप बेरोजगारों को एकता विहार के गड्ढे में आमरण अनशन पर मजबूर करने के लिए जाने जाते हैं, आप बेरोजगार युवाओं को घंटा घर पे और गांधी पार्क पर लाठियां भाजने के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सा रोजगार आज अगर युवा 10वें 11वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं और पानी की टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी है और आप केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कहीं आप चाउमीन बनाने को और पकौड़ा तल। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। स्वभाव और संस्कृति स्वभाव के अलावा स्वच्छता की थीम पर आधारित देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आपको बता दें मुख्य कार्यक्रम देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शिरकत की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारा देश में पूरे हर राज्य में स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज महात्मा गांधी जयंती भी है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती भी है, और उत्तराखंड में आज शहीद दिवस भी है। हमारे लिए उत्तराखंड में आना बहुत खुशी की बात है, और आज 10 साल पूरा हो गए हैं स्वच्छ भारत अभियान को चलाते हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद सफाई अभियान को बहुत महत्व दिए हैं। स्वच्छता का अभियान पूरा देश भर में आंदोलन के रूप में पकड़ चुके हैं। मैं तो उत्तराखंड में देखा हूँ कि गांव-गांव पहाड़ों में भी स्वच्छता का सबको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है, और उत्तराखंड तो मेरे लिए बहुत दिल से करीब है। मैं भी पहाड़ी हूँ और यहाँ पहाड़ी इलाकों में आने से दिल से हम जुड़ते हैं। उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ मेरा दौरा नहीं हुआ हो। गुंजी से लेकर के नाबीदांग, कुट्टी से धारचूला से लेकर के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ से लेकर के पूरा ग्वालदम से होते हुए मुंशियारी और पूरे यहाँ पश्चिम में आपके टेहरी इलाका में हारसिल से आगे नागापोस्ट तक केलोंग घाटी से लेते हुए फिर वहाँ सारा का सारा इलाका नीचे चक्राता तक हिमाचल से जुड़े हुए, नेपाल से और नीचे यूपी से जुड़े हुए जितने भी इलाका है पूरा मैं गया हूँ। मैंने बचपन में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यहाँ आया हूँ। जब भी उत्तराखंड आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज देहरादून में हमारे प्रदेश के मुख्य जितने हमारे यहाँ मंत्री जी, हमारे सांसद, विधायक सबके साथ मिलकर के यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज महात्मा गांधी का जयंती भी है, शहीद दिवस है, शास्त्री जी का जयंती है, तो हम लोगों ने यहाँ 10 साल स्वच्छ भारत अभियान पूरा होने पर आपके बीच में आया, बहुत अच्छा लगा। और इस बार थीम बहुत अच्छा लगा, यहाँ आपका स्वभाव स्वच्छता और संस्कृति स्वच्छता, इस तरीके से यहाँ एक थीम चलाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन काफी खास है। इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्मदिन है। एक ने भारत की स्वतंत्रता और आजाद को भारत को कराने में भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरे ने सादगी और विनम्रता के लिए लोग कायल हैं। उन्होंने वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अहिंसा के पुजारी, जिनको विश्व में जिनका अब एक अलग स्थान है, विश्व भी आज उनकी नीतियों को मानने को तैयार हैं, यूनो तक ने उनको ये मान्यता दी है। आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है,
उस शुभ अवसर पर हम कांग्रेस जन उनके मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए शपथ ले रहे हैं। और इस मौके पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। साथ ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले प्रधानमंत्री, तुम ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात जिन्होंने कही थी, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी कांग्रेस परिवार अपने हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता है और उनको अपने श्रद्धा सम्मान अर्पित कर। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु खत्ता में गर्दनाक घटना सामने आने से सनसनी मच गई। ये बिंदु खत्ता इसके रावक नगर द्वितीय में व्यवसायी से दुपट्टा से गला घोट कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर और डॉक्टर नूतन ठाकुर ने सोमवार को भीमकाल में पहुंचकर कथित रूप से यूपी के एक पूर्व नौकरशाह के बंगले से 50 करोड़ रुपए चोरी करने के प्रकरण में जानकारी हासिल की है। संदर्भ यूपी में काफी तेजी से चल रहा है, जिसकी सत्यता तक पहुंचना आवश्यक है कि एक रिटायर्ड IAS अफसर के यहाँ भीमताल स्थित मकान से 50 करोड़ चोरी की बातें चल रही थीं, जिसके संदर्भ में मुझे एक नाम बताया गया था अफसर का। मैंने उस संबंध में कहा था, अफसर का ये कहना था कि उस बंगले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस संदर्भ उनके इस प्रकरण को उस बात को मानते हुए मैंने उस संबंध में क्षमा याचना भी की थी। मौके पर जब मैं आया हूँ तो मुझे यह जान के एक कोइंसिडेंस है या संयोग है कि जिस बंगले की पहले जो सोशल मीडिया में बंगला वायरल हो रहा था वो कोई और था, उसके बारे में गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही थी कि वो मऊ के एक माफिया का है वगैरह वगैरह। मौके पर यह पाया हमने कि उस अफसर के निकट संबंधी का बंगला है। यद्यपि उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है, लेकिन पूरा प्रकरण चूंकि इलाके में हमने तमाम लोगों से पूछा, उन लोग अपनी जगह वो लोग कायम। रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे ऊंचाई वाले मंदिर तुंगनाग धाम से चौपटा तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के रोवर रेंजर्स NCC NSS के कैंडरों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 13 क्विंटल से आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे को वितरित किया गया। इस दौरान सभी कचरा इकट्ठा करने के बाद छात्रों को अध्यापक और अध्यापिकाएं भी मौजूद रहे। वहीं 44 छात्र छात्राओं का ये दल तुंगनाग धाम से चौपका तक यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपील कर रहा था। बताना चाहूँगा, युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 का ये हमारा आज यहाँ पे एडवेंचर का प्रोग्राम था और इसी में सरकार के द्वारा 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आपका स्वच्छता का पखवाड़ा भी चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर से NSS और NCC के छात्र छात्राओं को एकत्रित किया और उनके साथ उनके अध्यापक लोग भी हैं। और आज हम चोपटा तुंगनाग ट्रैक पर जो यहाँ पर वन टाइम यूज़ जितना भी डिस्ट्रॉय मटेरियल यहाँ पर एकत्रित हो रखा है, गिरा हुआ है, जगह जगह बिखरा हुआ है, तो हम सभी लोग उनको इकट्ठा कर रहे हैं और ये सभी इसको इकट्ठा करके हम इसको नगर पालिका गोपेश्वर के हवाले करेंगे, सुपुर्द करेंगे। मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज गोपेश्वर से रूरल इंजीनियर डिपार्टमेंट से एक स्वयंसेवी हूँ और मेरा गांव नौगांव जो कि गैरसैंण ब्लॉक में पड़ता है, जिसमें जिसके आधीन हम यहाँ युवा कल्याण विभाग चमोली का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज हमको दी। इससे भी पहले हमने रुदना जब हमने ट्रैक किया था, इससे पहले रुदना जी का ट्रैक किया था, तो हमने भी वहाँ एक स्वच्छता अभियान चलाया था। हम रोवर्स रेंजर्स ने 4-5 रोवर्स ने हमने ये अभियान चलाया था कि जिस प्रकार से आप बाहर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, गंदगी करते हैं, जो कूड़ा करकट है वहाँ फैला देते हैं, अपने जो प्लास्टिक्स हैं, बॉटल्स हैं, उनको यूज़ में ला के उसके बाद फेंक देते हैं। हमने एक अभियान वहाँ भी चलाया था। ब्लॉक जोशीमठ से मैं सबसे पहले युवा कल्याण विभाग चमोली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हमें इतने प्यारे ट्रैक के लिए, बहुत सुंदर ट्रैक के लिए यहाँ पर लेके आए और हमने यहाँ पर बहुत कुछ
सीखा। यहाँ पे हमने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत हमने यहाँ पे सफाई अभियान की और यहाँ पर आज बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं, तो हम उनको अपने इस अभियान के तहत उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप इस प्यारे से इतने सुंदर से ट्रैक पे आते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ किसी भी प्रकार का कूड़ा या कचरा ना फेंकें, और यदि आप कुछ खाते भी हैं तो उस कचरे को या फिर उस सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने बैग में डालें और वापस अपने घर लेके जाएँ और डस्टबिन में डालें। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनपी न्यूज। ब्रेक बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने पत्रकार वार्ता कर घटती बेरोजगारी दर और बढ़ती जीएसडीपी की जानकारी साझा की। सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग ने आगामी 5 सालों के भीतर जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इस दिशा में विभाग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों में अभी तक 1.3 गुना जीएसडीपी बढ़ी है। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे, तो कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं, जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस पर काम कर सकते हैं। अभी हम लोग MSSRI के जो स्कीम के गाइडलाइंस हैं वो मॉडिफाई करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हम नेक्स्ट कैबिनेट में ले जाएंगे, और उसमें हम जो इवैक्यूएशन नेटवर्क हैं उसकी भी मनी जो है योजना के अंदर ही इनबिल्ट करने का प्रोविजन करने जा रहे हैं, ताकि वो जो है सरकार से फंडिंग हो जाए इवैक्यूएशन नेटवर्क का। आजकल UPCL कर रहे हैं उसको, तो UPCL के ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़ रहा है, तो UPCL के बजाय उसको भी राज्य सरकार वहन करने की प्रपोजल बना रहे हैं। आइसलैंड के इनवाइट पर वहाँ भी गए थे और एम्बेसी में भी डिस्कशन हुई थी। आइसलैंड के एक वर्किस कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने एक साइट में उसकी पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है, ड्राफ्ट MOU दिया है। इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजा था वेटिंग के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने MNRU को भेजा है, तो अभी प्रोसीजर प्रोसेस में है, वो हो जाएगा तो हम लोग साइन कर लेंगे। इन द मीनवाइल ONGC ने भी अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस करी है, हालांकि वर्किस का तो केवल कंसल्टेंसी का है, ONGC का तो काम करने का भी है, तो हम दोनों ही प्रपोजल को परस्यू कर रहे हैं। हो सकता है हम दोनों को अलग अलग साइट अलॉट करें, और उसके साथ साथ हम अपना एक जियो थर्मल पॉलिसी भी बना रहे हैं, भारत सरकार भी अपने पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि इस जियो थर्मल एनर्जी की बहुत पोटेंशियल है। हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि उससे बिजली हम पैदा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितने डेप्थ में मिलते हैं। अगर कम डेप्थ में मिल जाते हैं तो उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर बिजली की जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगी। तो लेकिन अगर हम कम डेप्थ में भी लेते हैं और टेम्परेचर थोड़ा कम है, बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो उसको ऊर्जा के अलावा अन्य उपयोग बहुत है, तो वही हम लोगों ने आइसलैंड में देखा था। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक नीतियों और इकाइयों को केंद्र सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में स्थापित 620 औद्योगिक इकाइयों को अपात्र घोषित किया है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन्वेस्टर समिति कराकर जनता का पैसा बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री बताएं करोड़ों रुपए इन्वेस्टर समिति के दौरान खर्च किए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर किया,
उसमें सारे इंडस्ट्रीज उन्होंने देहरादून में आमंत्रित किए और उनकी आवभगत में करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, कांग्रेस पूछती रही बार बार कि माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए उनकी आवभगत में तो खर्च कर दिए हैं, लेकिन ये बताइए प्रदेश के अंदर कितना उद्योग मिला, कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला, कितना पलायन प्रदेश के अंदर रुका। लेकिन इन सवालों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे पा रहे। और जहां तक सब्सिडी की बात है, प्रदेश के अंदर उद्योग लगे ही नहीं तो सब्सिडी कहां से मिलेगी। नई सरकार बनी थी पहली, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनके समय पे जो उद्योगपतियों को सब्सिडी दी गई थी और बड़े बड़े उद्योग घराने प्रदेश के अंदर आए, चाहे उसमें टाटा है, बजाज है, किरवी है, हिंदुस्तान है, उसमें 70% यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात कही थी और यहाँ पे रोजगार भी आया, उनको सब्सिडी भी मिली और पलायन भी रुका। आज इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट होने के बावजूद यहाँ पर कोई उद्योग नहीं लग पाया और ना यहाँ से पलायन रुक पाया। ये सिर्फ लोगों के पैसों की बंदरबांट मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। प्रदेश के अंदर कोई ऐसा उद्योग नहीं लगा जिसको हम मुख्यमंत्री जी की इन्वेस्टर समिट का नतीजा बता सकें और उनकी उपलब्धि बता सकें। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक तुंगनाथ मंदिर है जिसकी बेहद मान्यता है और भक्त चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने तुंगनाथ मंदिर भी जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है जिसकी वजह से मंदिर में काफी नुकसान भी हुआ। इस समस्या को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए कई एजेंसियों को भी लगाया गया है। देखिए, तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की, वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ, उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे वहाँ पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी और उन्होंने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं किस प्रकार से वहाँ पर हम कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष हमने फिर उनकी जीएसआई और एएसआई की रिपोर्ट आने के पश्चात हमने सीबीआरआई रुड़की को भी एक पत्र लिखा और उनसे भी इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा था। तो सीबीआरआई रुड़की के साइंटिस्ट भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट भी हमको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। इस बीच मैंने जो एएसआई और जीएसआई की जो रिपोर्ट हमको मिली थी उस आधार पर वहाँ पर जीर्णोद्धार के कार्य, मरम्मतीकरण के कार्य, सौंदर्यीकरण के कार्य और अन्य भी जो आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय वहाँ पर किए जाने हैं उनके लिए शासन से कार्य कराने की सैद्धांतिक सहमति मांगी थी। शासन ने उसमें हमको सहमति प्रदान कर दी है और शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि जो भी हम वहाँ पर कार्य कराएंगे ये सीबीआरआई रुड़की के माध्यम से संपादित कराएंगे। सीबीआरआई रुड़की के ही उसकी डीपीआर तैयार करेगी जो भी वहाँ पर कार्य होने हैं। और इसके अलावा जो एएसआई और जीएसआई के जो एक्सपर्ट्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उनके साथ में निरंतर समन्वय करके उनके तकनीकी मार्गदर्शन में ये सारे कार्य संपादित होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।